बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम आगे की अब स्लाइड्स से देखेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने जो छोड़ा था वो क्वालिटी के ऊपर हमने बात की थी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर या क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, और इसके कॉन्सेप्ट एक TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी है जो आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है। और आज इंशाल्लाह हम इस क्वालिटी मैनेजमेंट को देखेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैं रिव्यू करा दूं रिकैप के, लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या बात कही थी। वो क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से बात की थी कि क्वालिटी मैनेजमेंट होती क्या है। क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर है, कि कस्टमर के ऊपर आपने फोकस करना है और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है। एक कॉर्पोरेट कल्चर में एक मुहावरा कहा जाता है कि कस्टमर इज़ योर बॉस, यानी कि जो कस्टमर है वो आपका बॉस है, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ये आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में ये मुहावरा चल रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर को हमेशा यूँ समझ लें कि कस्टमर जो कहता है आपने उसको मानना होता है, या हमेशा कस्टमर को खुश करने की आपने कोशिश करनी होती है। उसकी वजह ये कि कस्टमर की वजह से आपकी कंपनी चल रही है और प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है। कंसर्न फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि हर वक्त बेहतरी की तरफ देखना है कि यार हमारे उसमें क्या लूप होल्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ कि जब कोविड आया तो मैं ये OB का कोर्स पढ़ा रहा था लास्ट सेमेस्टर में, और एकदम से कोविड आ गया और हमें ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर मूव होना पड़ा। तो जारी बात है कुछ क्लासेस जूम पे या कुछ यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने कंडक्ट की, और जारी बात है कि सब नया था और इतना किसी को भी नहीं पता था। लेकिन अब दोबारा जब वही कोर्स हम पढ़ा रहे हैं जूम पे, तो अब तमाम टीचर्स इंक्लूडिंग मी काफ़ी पॉलिश्ड हो गए और कैसे कंडक्ट करना है और किस लास्ट टाइम क्या लूप होल्स थे जो इस टाइम रिपीट ना हो, और किस तरीके से मजीद हमें बेहतरी करनी है, वो चीज़ें सीख गए वक्त के साथ साथ। तो ये क्या हुई, एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हुई जिसका अल्टीमेट असर जो है आप अगर कस्टमर हो तो आपके ऊपर पड़ा है। इसी तरीके से इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डज, यानी कि इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो इंप्रूवमेंट हमने करनी है। मेजरमेंट्स एक्यूरेट होनी चाहिए, एम्पावर करना है एम्प्लॉयज़ को। आगे चलते हैं, क्योंकि आपकी कोर्स ऑफलाइन में TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये पूरा का पूरा एक वो है टॉपिक है, तो हमने इसको ज़रा डिटेल में इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, कॉन्स्टेंट अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि आपको जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की कॉन्स्टेंट अटेनमेंट होनी चाहिए थ्रू द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट फॉर और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस हैं सब को साथ लेके चलना है। रिक्वायर्स एम्प्लॉयर टू रीथिंक व्हाट दे डू एंड बिकम मोर इन्वॉल्व, आपने कंटिन्यूस रीथिंक करना है। जैसे अभी हम आजकल अगर अपने ये ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं तो हम हर वक्त कंटिन्यूसली सोच रहे होते हैं कि हम बेहतर से बेहतर किस तरीके से इस कोर्स को आप तक पहुंचा सकते हैं। LMS ठीक है, एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम हमारा, जूम पे क्लासेस भी हो रही हैं, यूट्यूब चैनल भी बना दिया फैसिलिटेट करने के लिए, बुक मौजूद है, हम ऑफिस में मौजूद हैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए। तो किस तरीके से स्टूडेंट को मैक्सिमम फैसिलिटेशन दी जा सकती है और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसकी बहुत अच्छी सी बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आ जाए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आस्क मैनेजर टू रिकंसिडर हाउ वर्क वुड बी डन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इफ दे वर स्टार्टिंग ओवर। वो ये बात कह रहा है कि आप मैनेजर से पूछो कि वो किस तरीके से वो कर सकता है, रीस्ट्रक्चर कर सकता है, ठीक है, कि हाउ वर्क वुड बी डन, कि वर्क को किस तरीके से रीस्ट्रक्चर रीडिफाइन करना या नए सिरे से किस तरीके से बेहतर हो सकता है, स्ट्रक्चर हो या वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वो वर्क हो, प्रोसेस हो, कोई भी चीज़ हो, उसको रीडिफाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ओल्ड थी या पुरानी थी फ्लॉप हो गई, मार्केट से ऑब्सोलीट हो गई। फिर क्या किया, एक ब्रांड मैनेजर आया, उसने उसको क्या किया, रीडिफाइन किया, री इंजीनियर्ड किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मसाइल थे, लूप होल्स थे, नए सिरे से नई चीज़ें डाली। तो इन स्टेट ऑफ मेकिंग इंक्रीमेंटल चेंज इन प्रोसेस, री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स एवेल्युएटिंग एवरी प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन। मिसाल के तौर पर आपके पास एक चेन है, उसमें 5 ब्लॉक्स हैं, तो आपने हर ब्लॉक को इंडिविजुअली रिकंसिडर करना है, री इवेल्युएट करना है, और कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस चेन के अंदर। आप मेरी बात समझ रहे हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके 10 चैप्टर हैं एक बुक में, तो हर चैप्टर को मैंने री इवेल्युएट और रीकंसिडर करके ये देखना है कि मैंने एक चैप्टर उस कोर्स में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कितने CLO PLO को कवर कर रहा है वो, ठीक है। तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग से मुराद ये है कि आप किस तरीके से री इंजीनियर कर सकते हो। आगे चलते हैं, चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ OB, ये भी आपकी कोर्स आउटलाइन में ऐसा है, बहुत आसान से लिखा हुआ है कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें ऐसे समझाने वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी और आसान सी स्लाइड है।
हाँ ये थोड़ा सा हम देखेंगे बेसिक ओबीएम मॉडल स्टेज वन कि ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मॉडल क्या है। देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कभी भी दीवार मेज़ कुर्सी कंप्यूटर या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं बनती ना उसको कहा जाता है, एक बार जहन में रखना। कोई भी ऑफिस है वो उसके फर्नीचर से नहीं बनता, उसमें मौजूद काम करने वाले लोगों से वर्कर से बनता है। एक इंडिविजुअल लेवल है, इंडिविजुअल से मुराद मैं हो गया। दूसरा ग्रुप लेवल है यानी ग्रुप में लोग हो गए। तीसरा सबसे बड़ा लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, ये कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। तो इंडिविजुअल लेवल से हायरार्की स्टार्ट होती है ग्रुप लेवल एंड देन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो रिफ्लेक्ट होती है, मैप होती है। ठीक है जी आगे चलते हैं, ये आप छोड़ डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिस्पॉन्स, ये तो बहुत आसान है, आप सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। एक्स वाई वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है बेसिकली प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, परफॉर्मेंस मेजर्स डेट इंक्लूड्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एक प्रोडक्टिविटी क्या है, एक मेजर है परफॉर्मेंस का जो कि आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। इफेक्टिवनेस क्या चीज़ है, अचीवमेंट ऑफ गोल। मिसाल के तौर पर आपका इस वक्त गोल ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कोर्स जो है वो क्या करना है, वो ये अच्छे नंबरों से पास करना है, क्लियर करना है। ठीक है ये आपका गोल है। एफिशिएंसी क्या है, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव आउटपुट टू द इनपुट, यानी कि आप कम इनपुट देके जितना ज्यादा आउटपुट लोगे वो एफिशिएंसी है। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्क देखो। इफेक्टिवनेस क्या, आपने गोल अचीव कर लिया बस इफेक्टिवनेस हो गई, एफिशिएंसी ये नहीं है। एफिशिएंसी क्या है, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, यानी कम पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ ये तुम्हारी एफिशिएंसी हो गई। इफेक्टिवनेस के तुमने सारे कोर्स क्लियर कर लिए। ठीक है अब ये कुछ चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाती हैं, जिसमें एब्सेंटिज्म है, द फेलियर टू रिपोर्ट टू वर्क यानी कि लोग छुट्टियां कर रहे हैं, टर्नओवर यानी कि लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भाग रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, डिस्क्रिशनरी बिहेवियर डेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर्मल जॉब, यानी कि आपने आपकी जॉब का वो पार्ट नहीं है, आपने डिस्क्रिमिनेशन की एम्प्लॉयज के दरमियान, तुम अच्छे हो तुम अच्छे नहीं हो। ठीक है बट नेवर्थलेस प्रमोट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है आपने ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर ये है कि आपने अपने वर्कर्स की अपने कुलीग्स की बेसिकली हेल्प करनी है। ठीक है आपने उनके वर्क में उनको गाइड करना है, उनको काउंसिल करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी मोटिवेट उनको मोटिवेट करना है, उनके साथ हैंड इन हैंड खड़े होना है। सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। ठीक है आगे चलते हैं, तो ये चीज़ जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत आसान सी चीज़ है कि भाई आप जो है वो जॉब से अपनी सेटिस्फाई हो या नहीं, ठीक है आप इंटरनली मोटिवेटेड हो या नहीं, और ये सारी चीज़ें क्या है जॉब सेटिस्फेक्शन को डिपेंड करती हैं। ऊपर देखो लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारे के सारे क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये जो चार्ट आपके सामने से खुला है ये शो कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो तीन तरह में डिवाइड होते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक ग्रुप लेवल पे और एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ठीक है ये एक फ्लो चार्ट आपके सामने खुल गया, इसको समझने की जरूरत है। ये बेसिक ओबी मॉडल है स्टेज टू का, और आपके बुक में ये एग्जिबिट T18 के नाम से दिया हुआ है, और बुक जरूर पढ़िएगा, बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ठीक है और जो बुक मैंने LMS के ऊपर कोर्स ऑफलाइन अपलोड किया है उसमें बुक का नाम भी लिखा हुआ है, स्टीफन कॉनवे नाम है ऑथर का, और बुक का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जो भी एडिशन आपको वहां से मिल रहा है आप ले सकते हैं। ठीक है अच्छा अब देखें कि सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं इंडिविजुअल लेवल, यानी कि मैं और आप, हमारे पास क्या होता है इंडिविजुअल लेवल, मैं और आप एक इंडिविजुअल है, हमारे पास चीज़ का एक परसेप्शन होता है, हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, हम लोग इंडिविजुअल लर्निंग कर रहे होते हैं। इस वक्त जो आप क्लास ले रहे हैं मेरी क्या आपकी लर्निंग है, आप मोटिवेटेड हैं तभी आप क्लास में आ रहे हैं। ठीक है आपको एक परसेप्शन है कोर्स का, या कोर्स कैसा होना चाहिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट अगर आप लेक्चर देख लीजिएगा जो वीडियो है मैंने उसमें इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कोर्स का, इसकी सिग्निफिकेंस भी बताई हुई है, तो उसमें आपको अंदाजा हो रहा होगा। ठीक है अब बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपके वैल्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं, और ये सारी चीज़ें, तो ये सारे के सारा जो चीज़ें हैं इंडिविजुअल लेवल पे। आइंदा आने वाले चैप्टर में पूरे का पूरा चैप्टर पर्सनालिटी परसेप्शन वैल्यूज वगैरह के ऊपर है। ठीक है मजीद ऊपर चलते हैं, तो हम ग्रुप लेवल में डिफाइन होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा 4 लोगों का 10 लोगों का 5 लोगों का एक ग्रुप होता है, एक रीजनेबल ग्रुप होता है। उसमें क्या होता है ग्रुप की डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका FIP का ग्रुप है, आप 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो जारी बात है आप FIP बना रहे हो, तो आपका FIP का ग्रुप है। उसके बाद उसमें लीडरशिप है, ग्रुप स्ट्रक्चर है, वर्क टीम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये हैं।
ये जाके फाइनली लिंक हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल से. ये वो लेवल होता है जो हेड ऑफिस है, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में, जहाँ पे पॉलिसीज बन रही हैं, जहाँ पे सीईओ बैठा हुआ है कंपनी का, जहाँ बड़े बड़े मैनेजर और ये बैठे हुए हैं, सीएफओ बैठे हुए हैं, ठीक है. ये वो लेवल होता है कंपनी की पॉलिसीज बनती हैं. यहाँ पे ह्यूमर ये देखो लिखा हुआ है, पॉलिसीज प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनोग्राम. ऑर्गेनोग्राम बेटा हायरार्की को कहते हैं कि कौन किसके अंडर आता है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको ऑर्गेनोग्राम कहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें सबसे पहले रेक्टर साहब हैं, फिर डीजी साहब हैं, फिर डायरेक्टर साहब हैं, फिर एचओडीज हैं, फिर फैकल्टी है, फिर लैब इंजीनियर्स हैं, ये एक है. तो ये सारा का सारा क्या ऑर्गेनोग्राम है, यानी कि स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर है. ये आप देखो ये एरो के निशान आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ जाती है, फिर यहाँ से आउटपुट यहाँ आता है. इसी तरीके से ये कनेक्टेड है इससे. तो ये सारे के सारे एरो बता रहे हैं. एक एलिमेंट है चेंज एंड स्ट्रेस का, कि हर वक्त यहाँ पे चेंज, ये आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल से हर वक्त आपको फोर्स किया जाता है आप चेंज हो. जैसे आप देखो कोविड की आप अगर एग्जांपल लो, तो उसकी वजह से कितना चेंज आया हमारा. वो क्लासेस जो कि फिजिकल होती थी, इस वक्त मैं आपकी जूम पे ले रहा हूँ, ठीक है. और जारी बात है कि इसमें स्ट्रेस लेवल कुछ और है, उसमें स्ट्रेस लेवल कुछ और था, ये चेंज है. तो ये सारे का सारा चेंज आया है, ठीक है. ह्यूमन इनपुट यहाँ से देखते हैं. तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का ये फ्लो चार्ट कह लो या एक हायरार्की कह लो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल, ग्रुप लेवल, इंडिविजुअल लेवल, जो हमने लास्ट इसमें पढ़े थे ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हमने पढ़े थे ये वाले, ये अलग अलग को तोड़ के यहाँ पे इन स्लाइड में डिफाइन कर रहा है, ठीक है. ये जो आगे स्लाइड है ये इसके अंदर डिफाइन कर रहा है. सही है, अब हम आगे चलते हैं. वेल चैप्टर टू स्टार्ट है, तो चैप्टर टू के लिए जो है हम स्टार्ट कर देते हैं फाउंडेशंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, और इसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में हम कंटिन्यू करेंगे. लेकिन अभी हम इसी में थोड़ा सा हम आगे स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर टू. तो आपके बुक का जो चैप्टर टू वो है फाउंडेशंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. तो ठीक है, चैप्टर टू हम स्टार्ट कर रहे हैं. और चैप्टर टू के अंदर जो है बेसिकली, एक मिनट दीजिएगा मुझे आप. ठीक है, तो चैप्टर टू है हमारा फाउंडेशंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर. एज यूजुअल ये आप देखें कि इसके हर चैप्टर के अपने अलग सीएलओस और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कह लें या सीएलओस कह लें, वो बने हुए हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किन किन चीजों के काबिल हो जाएंगे, ठीक है. ये आप सामने देख सकते हैं. सबसे पहले हम इसमें बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, और इसमें आप देखें कि पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, मैटर, स्टेटस एंड ऑल दैट, ये सारे के सारे बहुत ही आसान है, ये पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशंस, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है जिसके ऊपर हम जो है ज़्यादा टाइम लगाएं. आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं. एबिलिटी एंड इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू परफॉर्म द वेरियस टास्क इन अ जॉब. एक जो है इंडिविजुअल की कैपेसिटी जो कि वेरियस टास्क को परफॉर्म कर सके. इंटेलेक्चुअल एबिलिटी द कैपेसिटी टू डू मेंटल एक्टिविटीज, यानी इंटेलेक्ट का ताल्लुक जहानत से होता है या मेंटल एक्टिविटीज से होता है. मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड कल्चरल, ये सारी की सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है, ठीक है. तो एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू परफॉर्म द वेरियस टास्क इन अ जॉब, इसको आप रहने दें, हम आगे की तरफ चलते हैं. हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कल को आप जॉब करने जाएंगे. तो द एबिलिटी जॉब फिट मॉडल, ये जॉब फिट मॉडल क्या है, जैसे कि इस डायग्राम से जाहिर है कि एक तो एम्प्लॉयज की एबिलिटी, इसको कहते हैं स्किल सेट, कि भाई आपको एक पार्टिकुलर स्किल सेट है, और दूसरा जॉब एबिलिटी रिक्वायरमेंट से, कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, जिसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट में कहते हैं जेडी, ये मैच होनी चाहिए, तब जाके वो एम्प्लॉय इस जॉब के लिए फिट है.
लर्निंग लर्निंग की क्या डेफिनेशन है, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. लर्निंग क्या, इस वक्त हम सब लर्न कर रहे हैं. अब बिहेवियर में हमारे सबके चेंजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह से जो अभी ये पेंडेमिक आया है, इस वजह से बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहे हैं. ठीक है, लर्न हम कर रहे हैं, नए टूल्स हम सीख रहे हैं. कुछ जगहों पे क्लासेस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हो रही हैं, कहीं कुछ जगहों पे गूगल क्लासरूम यूज किए जा रहे हैं, कुछ जूम यूज किए जा रहे हैं. जो ऑफिशियल हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो यही हैं. तो लर्निंग क्या है, इन्वॉल्व चेंज है, परमानेंट होता है, एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं इसको. अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज यूज करें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है कि आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं चीजों को. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्योरीज ऑफ लर्निंग. यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, और ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं और आपने इसको अच्छे से समझना है. ये लर्निंग है और आफ्टर दैट थ्योरीज ऑफ लर्निंग. अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल है तो अभी ये मैं सेशन ऑफ करने के बाद आपको सब दोबारा ऑनलाइन लेता हूँ और आप लोग अपने माइक ऑन करें, आप मुझसे लाइव क्वेश्चन भी कर सकते हैं. इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, ऑफिस में मैं एज यूजुअल अवेलेबल हूँ अगर कोई मिलना चाहे तो. ठीक है, अपने रिस्क पे. हाउएवर, तो कहने का मकसद ये है. तो ठीक है, अभी ये हम इसकी सेशन ऑफ करने के बाद जो है फिर लाइव क्वेश्चन सेशन लेते हैं आप लोगों से. ठीक है, कम टू द पॉइंट. थ्योरीज ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग. पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो. अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग इन विच एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस दैट वुड नॉट ऑर्डिनरली प्रोड्यूस सच अ रिस्पॉन्स. अब जरा समझने की कोशिश करो इसको. देखो, एक स्टिमुलस है. स्टिमुलस क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे अजान होती है, मौलवी कहते हैं हैया लिल फला. इसका क्या मतलब है, फला की तरफ आओ, दुकानें कारोबार सब कुछ काम काज छोड़ के बंद करके नमाज की तरफ आओ. तो ये अजान क्या है, स्टिमुलस है. क्या है, स्टिमुलस है जो किसकी तरफ बुला रही है, अल्लाह की तरफ, इबादत की तरफ. ठीक है, अब शुरू में आपने नई नई नमाज पढ़ना शुरू की, हो सकता है आप से भूल चुक हो जाए, लेकिन एक वक्त आता है कि आप उसके आदी हो जाती हो. तो ये आपकी क्या होगी, क्लासिकल कंडीशनिंग होगी कि जैसे ही हैया लिल फलाह की आवाज आए आपने क्या करना है, कारोबार बंद करना है और नमाज की तरफ जाना है. तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी. बेटे, क्लासिकल कंडीशनिंग की इससे अच्छी मिसाल कोई हो ही नहीं सकती जो मैंने आपको दी है. बुक में दूसरी मिसाल है, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ, बुक की एग्जाम्पल भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इधर जो एग्जाम्पल है इससे अच्छी एग्जाम्पल नहीं हो सकती. ठीक है, अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग इन विच एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस. यानी कि इंडिविजुअल आप हो गए, आपने रिस्पॉन्स दिया. अब आप नमाज की तरफ गए तो ये आपका क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया. स्टिमुलस क्या हो गया, अजान हो गई. ठीक है, डैट वुड नॉट ऑर्डिनरली प्रोड्यूस सच अ रिस्पॉन्स, जो कि आमतौर से दूसरे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते. ठीक है, अब हम इसकी ये एग्जाम्पल देखते हैं जो कि ऑफिशियल बुक के अंदर है. ठीक है, ये बुक में है, एग्जिबिट 2-3, ये इसकी सोर्स है, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं. और ये बुक में एक एक्सपेरिमेंट, एक रिसर्च है, और वो मैं आपको बता दूं कि ऑथर ने क्या लिखा है. ठीक है, शॉर्ट वे में मैं आपको बता दूं. भाई, एक बंदा है, उसका डॉग होता था, कुत्ता होता था. ठीक है, वो क्या करता था कि उसने जैसे प्लेट के ऊपर घंटी बजाते हैं ना जब भूख लगती है, या कुत्ते को या डॉग को खाना देना होता है, तो उसने ये स्टिमुलस रखा कि भाई जब भी मैं घंटी बजाऊं जो डॉग है मेरा वो खाना मांगने के लिए आ जाए. और ये हड्डी है, तो अमूमन आपने देखा होगा डॉग के मुंह से सलाइवा जो है वो टपक रहा होता है अक्सर जब उसको भूख लगती है, खाने जब खाने का टाइम आता है. ठीक है, तो उसके मालिक ने, डॉग के मालिक ने क्या किया, उसको क्या किया, ट्रेन कर दिया या कंडीशन कर दिया कि भाई वैन एवर जब भी वो क्या करे, वो बजाए, घंटी बजाए. ठीक है, तो इसका मतलब खाने का टाइम हो गया और डॉग भागता हुआ चला है और उसको ये हड्डी या जो भी उसका फूड है वो मिल जाए. ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया, फ्रूट कैट एक साइंसदान ने किया. ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप सोर्स आप देख सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में पब्लिश हुआ है. ऑथर ये मिसाल दे रहे हैं. तो स्टिमुलस क्या हो गया, वो घंटी हो गई. ठीक है, और डॉग की क्या हो गई, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई. तो ये जो है बुक की एग्जाम्पल थी, तो बुक की एग्जाम्पल को भी डिस्कस करना जरूरी था. अब आगे देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या, टाइप ऑफ कंडीशनिंग इन विच डिजायर्ड वॉलंटरी बिहेवियर leads to reward or prevents a punishment. ये बताओ ये क्या चीज है, जी बेटा, operant conditioning. operant conditioning क्या है, दोबारा पढ़ लो. a type of conditioning in which a desired voluntary behavior leads to reward or punishment. मिसाल के तौर पे एक आपको ये कहा जाता है मजहब के अंदर कि सदका करो, लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करो. ठीक है, किसी का हक ना मारो, सही है, तो जन्नत मिलेगी. रोज़ा रखोगे तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हज करोगे तो इससे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे. ये जन्नत का, जन्नत की लालच दे के या रिवॉर्ड दे के, ठीक है, आपके बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है. तो ये क्या हो गया,
और इसी तरीके से अगर आप दोजख की बात करें जो कि पनिशमेंट के जुमरे में आ जाएगी, तो आपको बताया जाता है कि अगर तुम ये करोगे, झूठ बोलोगे तो ये हो जाएगा, चोरी करोगे तो उस पर हाथ काटने की सजा है, वगैरह वगैरह इस तरह के जो भी पनिशमेंट्स हैं, उसी तरीके से जो रिवॉर्ड्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट, कि ये करोगे तो तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ये करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। अब आइए देखते हैं कि इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के सिनेरियो में किस तरीके से हम रिफ्लेक्ट करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, कि अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाएगा, और अगर आपने कोई गलत काम किया या आपने लाइक असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं कराया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी या पेनल्टी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया तो आपको पेनलाइज आपको होगा, आप होंगे, ठीक है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से रिवॉर्ड है, ठीक है, अगर आपने क्लास पार्टिसिपेशन अच्छी की तो हो सकता है आपको बोनस मार्क्स मिले या ग्रेस मार्किंग जिसे कहते हैं वो हो जाए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। आगे की तरफ चलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरीज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और इसके अंदर सोशल लर्निंग थ्योरी, पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। देखिए, इंसान हर चीज़ जो है वो उस्ताद से नहीं सीखता, उसकी जो है एक्सपीरियंस, उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी भी उसका एक सबसे बड़ा उस्ताद है। इंसान की गलती जो है, मिस्टेक, वो उसका सबसे बड़ा उस्ताद होती है। तो अब होता ये है कि या तो इंसान अपनी गलती से सीख ले या फिर उस्ताद से सीख ले। तो ये थ्योरी बस वही बात कह रही है कि सोशल लर्निंग थ्योरी है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन से लर्न करें और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लर्न करें। अब एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इंसान को कभी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है और कभी मतलब बुरा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आते हैं आगे। शेपिंग बिहेवियर, सिस्टमेटिकली रीइंफोर्सिंग सच। शेपिंग बिहेवियर का क्या मतलब है कि एक बंदा है, अब उसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो आपने उसके बिहेवियर को जो है वो चेंज करना है। मिसाल के तौर पे सिस्टमैटिकली रीइंफोर्सिंग ईच सक्सेसिव स्टेप दैट मूव्स एंड इंडिविजुअल क्लोजर टू द डिजायर्ड रिस्पांस, ठीक है। तो आपने सिस्टमैटिकली रीइंफोर्स करना है। रीइंफोर्स का मतलब ये कि बार बार दोबारा करो, फिर करो, फिर करो, बार बार रीइंफोर्समेंट इसको कहते हैं। हर स्टेप को रीइंफोर्स करना है जो कि उस इंडिविजुअल को डिजायर्ड रिस्पांस यानी जैसा आउटपुट आप चाहते हो वैसे वो करे। इसकी मिसाल जो है, जितने भी हमारे एथलीट हैं, जितने भी आपने लाइक मोटिवेशनल वीडियोस आपने देखी होंगी, जैसे आर्नोल्ड शवांगर है या जो भी मोहम्मद अली, बहुत बड़ा नाम, ठीक है, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ठीक है, जिसने जीती है, आर्नोल्ड शवांगर बॉडी बिल्डिंग का मिस्टर ओलंपिया कई मरतबा, मेरे ख्याल से 5 या 6 मरतबा शायद रह चुका है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी ये लेजेंड्स हैं, जिनकी मैं लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनकी जो ट्रेनिंग्स हुई हैं वो किस तरह से हुई हैं, उसमें ये सारी थ्योरीज लग रही हैं। सिस्टमेटिकली रीइंफोर्सिंग ईच सक्सेसिव स्टेप, इनका जो वो था, क्या नाम है, मेंटर था, इनको ये ट्रेनिंग जब करवाता था तो मोहम्मद अली का जो है वो एक बड़ा फेमस स्लोगन था जब वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो कहता था कि मैं वहाँ से काउंट करना शुरू करता हूँ, क्योंकि जारी बात है कि रैप्स होते हैं या जो भी उसकी ट्रेनिंग होती है, मैं वहाँ से काउंट करना शुरू करता हूँ जहाँ से मुझे पेन होता है, यानी जब मुझे पेन नहीं होता तो मैं काउंट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर वो डंबल उठा रहा है या वो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, जब तक उसको पेन नहीं होगा वो काउंट नहीं करेगा अपने मुक्कों को या बॉक्सिंग की प्रैक्टिस, वॉट एवर जो भी वो कर रहा है। मोहम्मद अली कहता था मैं वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मुझे पेन होता है। ये उसका क्या है, एक मोटिवेशन है, रीइंफोर्स कर रहा है अपने आप को। सक्सेसिव स्टेप दैट मूव्स एंड इंडिविजुअल क्लोजर टू द डिजायर्ड रिस्पांस, उसका डिजायर्ड रिस्पांस क्या है कि उसने एज मैक्सिमम एक्स पंचेस जो है वो डिलीवर करने हैं बॉक्सिंग रिंग के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आपका पाकिस्तानी निजात बॉक्सर कौन है जिसका, मोहम्मद आमिर, आमिर शायद उसका जो इंग्लैंड के अंदर होता है, ठीक है। ये सारे लेजेंड्स हैं बेटा, ठीक है, इनसे आप सीख सकते हैं, इनमें ये सारी थ्योरीज अप्लाई हो रही हैं। हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो के भी एग्जांपल्स हैं कि सिस्टमैटिकली रीइंफोर्स ईच सक्सेसिव स्टेप दैट मूव एन इंडिविजुअल क्लोजर टू द डिजायर्ड रिस्पांस, ठीक है। अब होता है क्या, रीइंफोर्समेंट से यानी बार बार एक ही चीज करने से बिहेवियर का चेंज होता है। सम रिवॉर्ड्स आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स, कुछ रिवॉर्ड्स जो है वो दूसरों से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। टाइमली रीइंफोर्समेंट भी होती है कि भाई इस टाइम पे आपने रीइंफोर्स करना है, यानी आपने टाइम सेट कर दिया कि आप जो है वो इस टाइम पे रीइंफोर्स करें, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि अगर आप प्रोवाइडिंग अ रिवॉर्ड फॉर अ डिजायर्ड बिहेवियर,
अगर आप यार ये बिहेवियर शो करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि भाई आप जो है अच्छा काम करोगे तो आपको ऑफिस में लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट पे आपकी जो है वो कंसिक्वेंसेस अनप्लेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे कि बॉस ने डांट दिया या वॉट एवर। पनिशमेंट में ये कि आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकती है, ठीक है, एक्सटेंशन विथ होल्डिंग रीइन्फोर्समेंट और बिहेवियर टू कॉर्ड सीजिशन, यानी कि आपने रोक दिया, बस कुछ नहीं किया, रोक दिया, ठीक है। अब ये स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, कंटिन्यूस का मतलब आप मुसलसल करते रहे, इंटरमिटेंट का मतलब आपने बीच में टाइम फ्रेम बना दिए भाई एक सुबह एक शाम एक रात, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर दवाई देते हैं भाई सुबह शाम रात, ठीक है। इंटरमिटेंट का से मुराद ये है कि आपने टाइमली रीइंफोर्समेंट करनी है, कंटिन्यूस तो आप हर वक्त करते रहे, ईच टाइम एट इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड। इंटरमिटेंट की हम एग्जाम्पल देखते हैं, आगे इंटरमिटेंट की एग्जाम्पल आएगी, ठीक है। इंटरमिटेंट का मतलब है कि रीइंफोर्स ऑफन टू मेक बिहेवियर रिपीटिंग बट नॉट एवरी टाइम इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड। रिपीटेशन होनी चाहिए इसमें, लेकिन हर वक्त नहीं होनी चाहिए जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन हो। इसमें जो है वो डिजायर्ड बिहेवियर रीइंफोर्स ईच टाइम, इसमें डिजायर्ड बिहेवियर हर टाइम रीइंफोर्स होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। आपने एक टाइम बना दिया, मिसाल के तौर पर दो हफ्ते बाद हमने क्विज लेना है, तो ये हमारी क्या हो गई, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट हो गई कि हमने टाइम बना दिया कि दो हफ्ते बाद हमने क्विज लेना है। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट हमारी रोज आने की क्लासेस हो गई जो जूम पे हो रही हैं। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट क्या हो गई, हर दो हफ्ते बाद क्विज होगा तो आप कोर्स के लिए ऑटोमेटिकली तैयार होते रहेंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट हो गई। मजीद ब्रेकअप में आते हैं तो फिक्स स्केड्यूल हो गया, वेरिएबल इंटरवल हो गया, नाम से जाहिर है फिक्स, यानी कि आपने स्केड्यूल फिक्स कर दिया कि भाई 12 बजे से हमारी जूम की क्लासेस हैं, तो ये स्केड्यूल फिक्स्ड है हमारा। वेरिएबल ये है कि आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा कि इसमें क्या ये है, स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। रिसर्च की गई, उसमें लिखा कि भाई ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कंटिन्यूस, और ये सारी इसकी नेचर ये होती है जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका बिहेवियर पे ये असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट करेंगे तो आपकी लर्निंग फास्ट होगी, फिक्स इंटरवल वाली करेंगे तो आप एवरेज करेंगे, वेरिएबल वाली करेंगे तो मॉडरेटली हाई करेंगे, और इसी तरीके से डिफरेंट है, वेरिएबल रेशियो वेरी हाई परफॉर्मेंस विद स्लो एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये है, ये मैं आपको कह रहा था एग्जांपल, इंटरमिटेंट स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब ये देखो, ये रीइंफोर्सर है कि वीक वन में आपको देना है, वीक टू को रीइंफोर्स करना है, इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कह रहा था ना कि हर दो हफ्ते बाद मैंने क्विज रख लिया, तो हर दो हफ्ते बाद मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रीइंफोर्स कर रहा हूँ, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है। वेरिएबल क्या है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, आपने दूसरे हफ्ते में किया, चौथे हफ्ते में किया, ठीक है, उसके बाद एट वीक में ले गए, नाइन्थ वीक में ले गए, एंड देन आप ट्वेल्थ वीक में ले गए। यानी आप देखो कि इसके अंदर एक टाइम फ्रेम क्या है, कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम कांस्टेंट नहीं है। पता लगा आठवीं वीक में सरप्राइज क्विज हो गया, नवीं वीक में प्रेजेंटेशन रख दी, फिर एक लंबा गैप आ गया, फिर तो ये वेरिएबल है, तो इट डिपेंड्स। ये आ गया ना, देखो पॉपअप क्विजेज इन अ क्लासरूम लिखा हुआ है, इसने भी ऑथर भी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। इसी तरीके से फिक्स रेशियो है कि आपने अपने एंड के ऊपर जिस तरीके से भी आप इसको रीइंफोर्समेंट करना चाहो, तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जैसे कि नाम से जाहिर है कि बिहेवियर की मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट कॉन्सेप्ट टू इंडिविजुअल्स इन द वर्क सेटिंग, ठीक है। उनके फाइव स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है जो स्लाइड के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले क्रिटिकल बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करो कि भाई फॉर एग्जाम्पल जूम की क्लासेस में कोई स्टूडेंट शरारत तो नहीं कर रहा, उसका क्रिटिकल बिहेवियर है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आई डी ब्लॉक कर दी फॉर एग्जाम्पल। डेवलप बेसलाइन डाटा, कितने स्टूडेंट्स हैं, डाटा डेवलप करो। Identify behavioral consequences, जैसे मैं आपको सामने दिखाता हूँ, इस वक्त मेरे सामने डाटा आ रहा है कि ये लोग क्लासेस ले रहे हैं, इनके अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है, इनके माइक्स ऑफ हैं, ठीक है, 15 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, इनके बिहेवियर क्या है, ठीक है। बेसलाइन डाटा मेरे पास आ गया 15 पार्टिसिपेंट्स से। आइडेंटिफाई बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, कि यार इनकी क्लास लो तो ये सीरियस होके लेते हैं या नहीं होके लेते। डिप्लॉय एंड अप्लाई इंटरवेंशन, ठीक है, डिप्लॉय करो और अप्लाई करो इंटरवेंशन, क्या आपने फॉर एग्जांपल स्लाइड से पढ़ाना है, या आपने व्हाइट बोर्ड यूज करना है, या आपने बुक का कोई स्क्रीनशॉट दिखाना है, वॉट एवर, एंड देन आखिर में क्विज वगैरह लो, उसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ओवी मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे हमें सिक लीव्स वगैरह भी दी जाती हैं, ठीक है, जो कि पेड लीव्स होती हैं,
एम्प्लॉय के डिसिप्लिन का बड़ा ख्याल रखा जाता है, डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि आपके जो ये फातिमा जिन्ना हॉल और डिफरेंट आपके ट्रेनिंग सेशंस और सेमिनार्स होते रहते हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर। आजकल तो ऑब्वियसली नहीं हो रहे, लेकिन जब फुल स्विंग में सेमेस्टर होता है तो उसमें आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती हैं, फैकल्टी की भी होती है, स्टूडेंट की भी होती है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये कि रिड्यूसेस द नीड फॉर एक्सटर्नल मैनेजमेंट कंट्रोल, कि बाहर से किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हो अपनी, यानी कि फॉर एग्जांपल जिसमें सबसे पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, कि आप खुद सबसे पहले टाइम मैनेज कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, ट्रेनिंग्स कर रहे हो। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं, लीव्स के हवाले से, एम्प्लॉय के डिसिप्लिन के हवाले से, जैसे स्टूडेंट का डिसिप्लिन है, अगर कोई स्टूडेंट बदतमीजी करता है किसी टीचर से तो डिसिप्लिनरी एक्शन है, उसके ऊपर SOP है। इसी तरीके से डेवलपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो आज का हमारा टाइम थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, तो हम इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों से लाइव बात भी करता हूँ, ठीक है, और फिर इसको मैं YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर किसी का मिस हो गया। ठीक है जी, थैंक यू, जल्ला हाफिज़।